बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आईएसपी ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। टुडेज लेक्चर नंबर 4 फॉर द कोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। दिस कोर्स इज जनरली फॉर एमएससी सिविल इंजीनियरिंग। आई मायसेल्फ इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद असलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब, मुल्तान। टुडेज लेक्चर नंबर 4 एंड वीक नंबर 4। सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट कंपोजिशंस के हवाले से कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो इन अवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीगेट्स फॉर कॉन्क्रीट्स। के एग्रीगेट आप कौन से चूज करते हैं कोई भी कॉन्क्रीट बनाने के लिए, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिवरल जो चीज़ें हैं, हम जो पत्थर यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर, उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, आया वो पत्थर हम किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं या स्पेसिफिक गाइडलाइंस और कोड्स को फॉलो किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। सो इन जनरल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीगेट्स। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट्स, व्हाई एग्रीगेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या हैं, क्लासीफाई हम किस तरह से एग्रीगेट के डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद डेलीजरियस सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट के अंदर भी जो डिफरेंट केमिकल मटेरियल्स होते हैं या डिफरेंट जो पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं या जो डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं, वो किस तरह से एग्रीगेट की क्वालिटी को, उसके बाद कॉन्क्रीट के प्रोडक्शन होने के बाद कॉन्क्रीट की क्वालिटी को ओवरऑल अफेक्ट करते हैं, तमाम पैरामीटर्स को हमने डिस्कस करना है। So in definition, we can say that a combination of different sizes and shapes, normally of stones with a maximum size of 75 millimeter, के कोई भी stone different sizes के, different shapes के, जो कि आप as a material के तौर पे maximum size 75 millimeter के अंदर अंदर जब आप use करते हैं, तो उन पत्थरों को basically हम aggregate कहते हैं। एग्रीगेट्स जनरली ऑक्यूपाई 65-80% ऑफ अ टोटल कॉन्क्रीट वॉल्यूम। के कॉन्क्रीट जब आप एक बॉक्स बनाते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर मेंबर बनाते हैं, उसके अंदर अराउंड 65-80% तक जो मटीरियल स्पेस कवर कर रहा होता है, दैट मटीरियल इज कोर्स एग्रीगेट या कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट एज अ कम्युलेटिव, जिसको हम स्टोन भी कहते हैं। सो एग्रीगेट नॉर्मली कंसिडर्ड एज एन इनर्ट फ्लोटिंग मटीरियल इन द सीमेंट पेस्ट मैट्रिक्स फॉर कॉन्क्रीट्स ऑफ लो स्ट्रेंथ। कि अगर आप लो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बात करते हो, तो कुछ एग्रीगेट पत्थर जो कि आप सीमेंट की पेस्ट के अंदर फेंक देते हैं, तो उनको हम एज एन इनर्ट फ्लोटिंग मटीरियल भी कंसिडर करते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट फॉर लो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट केस के अंदर। जब हम लो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बात करते हैं, तो एग्रीगेट अपनी स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाते या प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो लोअर सीमेंट, जो सीमेंट की पेस्ट जो है, वो आपने लोअर प्रोवाइड की होती है या सीमेंट का कंटेंट आप लोअर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं डेवलप होता, एग्रीगेट अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट्स इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कॉन्क्रीट। के जो पत्थर है, उसकी जो खासियतें हैं, जो उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ओवरऑल आपके कॉन्क्रीट की फ्रेश स्टेट के अंदर भी और हार्डन स्टेट के अंदर भी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बेसिक डेफिनेशंस हैं कॉन्क्रीट के अंदर, हम एग्रीगेट को जब एलेबरेट करते हैं उस हिसाब से। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स आप देख सकते हैं। अगर हम एक कॉन्क्रीट की बात करें, तो ओवरऑल 40% जो है वो आपका कोर्स एग्रीगेट होता है कंक्रीट के अंदर, 25% फाइन एग्रीगेट होता है, 20% वाटर होता है, 10% सीमेंट प्रेजेंट होता है और अराउंड 1-5% आपका एयर कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी एक ओवरऑल कंपोजिशन है या ओवरऑल मटेरियल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक कंक्रीट के अंदर टोटल जो मटेरियल्स आप यूज़ करते हो उनकी क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट की, तो आपने मिनिमम एग्रीगेट का कंटेंट यूज़ किया हुआ इस मिक्स के अंदर, तो 40+25% यानी हमारे पास 65% टोटल जो है वो एग्रीगेट का कंटेंट है सिर्फ इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज हेयर, व्हाई वी यूज एग्रीगेट। अब जैसे आपको मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जब हम अगर प्रीवियस एंशंट हिस्ट्री के अंदर चलें, कि इजिप्शियन पैरामिड्स बने हुए हैं या ओवरऑल जो हिस्ट्री ऑफ अर्थ है उसके अंदर आप देखते हैं कि स्टोन या पहाड़ जो हैं, रॉक्स जो हैं या माउंटेन्स जो हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं इवन फ्रॉम द अर्ली फर्स्ट स्टेज व फर्स्ट आइस स्टेज से लेके। तो उसके अंदर जो स्टोन है, अगर स्टोन के अंदर वेरिएशंस आती, तो स्टोन या पहाड़ जो है वो अब तक हजारों साल हो चुके हैं, तो गल के ख़त्म हो चुके होते हैं। तो स्टोन को हम कंसीडर करते हैं एज अ साउंड मटेरियल, कि इसके अंदर कोई भी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस नहीं आती।
अब हम एग्रीगेट को कहाँ यूज कर सकते हैं या क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल है। पहले जमाने के अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, विद द हेल्प ऑफ जो है वो आप यूं कह लें कैदी वगैरह यूज करके उनको बनाए जाते थे बड़े बड़े बोल्डर्स के फॉर्म में। तो हमने एक आर्टिफिशियल स्टोन बनाया जिसके अंदर हम बड़े बड़े बोल्डर्स को ब्रेक करते हैं छोटे एग्रीगेट या पार्टिकल्स के अंदर, उनको फिर हम कंबाइन करके दोबारा आर्टिफिशियल स्टोन बनाते हैं जिसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं। सो ओवरऑल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कॉन्क्रीट 1/4 to 1/8% ऑफ द टोटल सीमेंट प्राइस, की ओवरऑल सीमेंट प्राइस भी कम होती है एग्रीगेट को यूज करने से। अगर आप सिर्फ सीमेंट को यूज करो तो ओवरऑल आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सीमेंट से पॉसिबल नहीं थी। सीमेंट की पेस्ट के अंदर वेरिएशंस आती हैं, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होती हैं, ओवरऑल सीमेंट का जो पेस्ट है वो एक्सपेंड एंड श्रिंक भी होता है। तो इस वजह से ओवरऑल एग्रीगेट का जो कंटेंट है वो श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। हाई एग्रीगेट कंटेंट सीमेंट, जो आपका एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो जो है वो हमने डिजायरेबल रेशो प्रोवाइड करना है, मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीमेंट कंटेंट। अगर आप सीमेंट कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं तो एग्रीगेट का जो रेशो है एग्रीगेट टू सीमेंट कंटेंट वो एक प्रॉपर अमाउंट में हमने प्रोवाइड करना है। इम्पार्ट द यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, एग्रीगेट आपको कॉन्क्रीट का एक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम उसको यूनिट वेट कंसिडर करते हैं, कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम हम उसको कंसिडर करते हैं, जिसमें आप नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट का यूनिट वेट हम 2350 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले रहे होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल मटेरियल्स थे या यूजेस हैं कि एग्रीगेट क्यों यूज हुआ कंक्रीट के अंदर, उसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं, मेन डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों सीमेंट से सिर्फ बिल्डिंग्स या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाते, एग्रीगेट क्यों यूज करते हैं, तमाम चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी। सो व्हाइल सिलेक्टिंग द एग्रीगेट्स, टाइप ऑफ एग्रीगेट जब हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमने क्या कंडीशंस को फोकस करना है कि एग्रीगेट मस्ट बी हार्ड, ड्यूरेबल एंड क्लीन, साफ होना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम एडहेरेंट कोटिंग्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, एंड शैल नॉट कंटेन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ क्ले। ये आपके पास एक प्रॉपर सिंपल एक लाइन है जिसके अंदर पूरी एग्रीगेट की डेफिनेशन है। उसके अंदर क्ले का सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, ग्रासेस, रूट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह, क्लीन होना चाहिए, सरफेस साफ हो, कोई भी ऑयल सब्सटेंसेस ना लगा हुआ हो, बिटुमिनस सब्सटेंसेस ना लगे हुए हों, ड्यूरेबल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, एक उसकी लाइफ उसने अच्छी प्रोवाइड करे, हार्ड होना चाहिए और तमाम कोई भी एक्स्ट्रा कोटिंग्स वगैरह उसके ऊपर अप्लाइड ना हो। तो एग्रीगेट शेल नॉट कंटेन हार्मफुल इम्प्योरिटीज, अदर एक तो ये नॉर्मल इम्प्योरिटीज आ गई जिनको आप वॉश करके भी उतार सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कि हार्मफुल इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, सच एज आयरन पायराइड्स, अल्कलीज, साल्ट, कोल्स, मीका, शेल और अदर मटीरियल विच विल अफेक्ट द हार्डिंग एंड अटैक द रिइंफोर्समेंट। क्योंकि आप रिइंफोर्समेंट के साथ खेल रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर, आपने कॉन्क्रीट प्रोवाइड करनी है, उस कॉन्क्रीट के अंदर आपने रिइंफोर्समेंट एडजस्ट करनी है, तो वहां पे अगर आपका एग्रीगेट रिएक्टिव मटीरियल्स के साथ फुल होगा तो वो एग्रीगेट आपके रिएक्शन कर लेंगे रिइंफोर्समेंट के साथ, जिसकी वजह से रिइंफोर्समेंट कोरोड हो जाएगी और कोरोजन की वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डिटेरियोरेट हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है। तो ये तमाम चीजें, ये बेसिक दो लाइंस है जिसके अंदर अगर आप बात करें कि एग्रीगेट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज इंप्योरिटीज एंड सब्सटेंसेस। सो आफ्टर दैट वी हैव अ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर हम प्रोडक्शन मेथड्स की बात करें तो एग्रीगेट हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, नंबर वन इज द नेचुरल एग्रीगेट एंड नंबर सेकेंड इज द बाई प्रोडक्ट एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट यानी कि जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, उनको हम क्रश करते हैं और छोटे से बारीक पार्टिकल्स के अंदर वेरिंग फ्रॉम 4.75 मिलीमीटर से लेके आप 20 मिलीमीटर और अप टू 75 मिलीमीटर तक एग्रीगेट की साइज बनाते हो, दैट एग्रीगेट इज कंसीडर्ड एज अ नेचुरल एग्रीगेट। उसके बाद बाई प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट या बाई प्रोडक्ट मटीरियल्स हैं, उनको हम प्रिपेयर करके बाई प्रोडक्ट एग्रीगेट बनाते हैं, जिनको आप आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स भी कंसिडर करते हैं या बाई प्रोडक्ट एग्रीगेट्स भी कंसिडर करते हैं। इवन सम केसेस के अंदर हम एग्रीगेट्स जो हैं उनको प्रोसेस करते हैं, यानी कि आपके कुछ एग्रीगेट्स, आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स जो कि इंडस्ट्री से बनते हैं, जैसे स्लैग है या बॉटम ऐश है, तो ये आपके डिफरेंट कूलिंग टेम्परेचर्स के अंदर डेवलप होते हैं। स्टील इंडस्ट्री के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर जब आप मोल्टन मटेरियल्स को मेल्ट करते हैं तो वहाँ पे स्लैग इकट्ठा होता है टॉप सरफेस के ऊपर, और वो स्लैग एज एग्रीगेट की बाद में शेप दी जाती है, जिसको हम आर्टिफिशियल एग्रीगेट कंसिडर करेंगे। और ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ डेवलप किया गया है, इसकी वजह से इनके कुकिंग के अंदर या इनको प्रोड्यूस करने में हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद
बाद कलर एग्रीगेट सच एज ग्लास, सिरामिक्स, मैन्युफैक्चर्ड मार्बल्स फॉर डेकोरेटिव एंड आर्किटेक्चर पर्पजेस, ये भी आपके जो है वो दोनों कैटेगरीज के अंदर आ सकती हैं। सम हाउ आप इसको आर्टिफिशियल में भी कंसिडर कर सकते हैं और नेचुरल के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो फर्दर अगर हम पेट्रोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टोन्स जो हैं वो तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या बेसिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स के अंदर जो है मोल्टन मास जब बाहर निकलता है लावा की शेप में, तो वो जैसे ही हार्ड हो जाता है तो उन मटेरियल्स को हम इग्नियस रॉक्स कंसीडर करते हैं, सच एज क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, पुमाइस एंड टफ। पुमाइस एंड टफ जो हैं वो लाइट वेट मटीरियल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये मोल्टन मटेरियल्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, टाइप ऑफ रॉक इग्नियस है, लेकिन इनका जो यूनिट वेट है बेसिकली वो आपका लाइटर होता है, जिसकी वजह से ये एज अ लाइट वेट एग्रीगेट यूज होते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री के अंदर जो मटेरियल्स हैं दैट आर बेसिकली ऑब्टेंड बाय द डिपोजिशन ऑफ वेथर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, और ये इसके अंदर आपके सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, शेल्स वगैरह आ जाती हैं। इफ दीज आर हार्ड एंड डेंस, ओके, इफ नॉट, हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी गिव्स अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स। अगर आपके लाइम स्टोन या सैंड स्टोन जो है, कुछ सैंड स्टोन के टाइप्स जो हैं वो लाइट वेट मटीरियल्स होते हैं जिनकी वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है और ये पोरस मटीरियल्स होते हैं, इनको हम एज अ ड्यूरेबल एग्रीगेट के तौर पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो वाइल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग एनी टाइप ऑफ एग्रीगेट। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसके अंदर आपका लाइम स्टोन है, चर्ट है, अर्कोज है, सैंड स्टोन है, शेल है और कॉन्ग्लोमरेट है। तो ये टाइप्स आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आते हैं। इवन इस केस के अंदर कुछ रॉक्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्गर एंड हार्ड होते हैं, कुछ जो हैं वो हाई पोरस होते हैं जिनकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज द वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे ही वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, बाहर जो लावा निकलता है सडनली हार्ड हो जाता है, तो वो इग्नियस रॉक्स होते हैं। सम केसेस के अंदर कुछ मटेरियल जो हैं वो पोरस भी डेवलप होते हैं, जिनको हम पुमाइस एग्रीगेट कहते हैं या वॉल्केनिक सिंडर्स भी इनको कहा जाता है। ये अलग अलग दो टाइप्स हैं, एक पुमाइस हैं, दूसरे वॉल्केनिक सिंडर्स हैं। ये दोनों मटीरियल जो हैं वो एज अ लाइट वेट मटीरियल के तौर पर या लाइट वेट एग्रीगेट के तौर पर यूज़ होते हैं, बाकी इग्नियस रॉक जो है वो हम एज अ स्टोन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीगेट जिसको हम बेसाल्ट कहते हैं। बेसाल्ट समटाइम्स जो है वो बेसाल्ट नॉर्मल एग्रीगेट की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली वही इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर के अंदर, एक ह्यूज डेप्थ के अंदर, जमीन के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अल्टरनेट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इनटू एनी थर्ड फॉर्म, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मार्बल है, स्लेट है, शिस्ट है, ये टाइप आपके जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद इफ हार्ड एंड डेंस, अगेन वी हैव टू यूटिलाइज देम इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। अगर नहीं है तो उन केस के अंदर जो है वो हम अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन करेंगे, तो उनको हम यूज नहीं कर सकते। अगर हाईली पोरस मटीरियल्स हैं तो उनको अगेन आप एज अ अल्टरनेट लाइट वेट एग्रीगेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइजेस। साइजेस के अंदर हमारे पास कोर्स एग्रीगेट हैं और फाइन एग्रीगेट हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से हम बात करें तो लाइट वेट एग्रीगेट हैं, नॉर्मल वेट एग्रीगेट हैं और हैवी वेट एग्रीगेट्स हैं। अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो नेचुरल ग्रेविल्स हैं और क्रश्ड एग्रीगेट्स हैं। शेप के हिसाब से बात करें तो राउंड हैं, क्यूबिकल एग्रीगेट्स हैं, एंगुलर हैं, इलोंगेटेड एंड फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं। टेक्सचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्मूथ भी आ जाते हैं, ग्रेनुलर है, क्रिस्टलाइंड है, हनीकॉम्ब्ड है एंड पोरस एग्रीगेट्स हैं। तो ये तमाम क्लासिफिकेशन हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट साइजेस, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटीज, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन टेक्सचर एंड शेप। तो ये तमाम मटेरियल्स हैं, इनको हम उस हिसाब से कैटेगराइज कर रहे होते हैं जैसा हमारा पर्पज, जैसे हमें क्लासिफिकेशन या कॉन्क्रीट चाहिए उस हिसाब से हम इनको डेवलप कर रहे होते हैं। दीज आर सम टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स जो आप देख सकते हैं। कुछ जो है वो बड़े स्मूद एग्रीगेट्स होते हैं जो हम कॉन्क्रीट के अंदर टोटली इन स्मूद एग्रीगेट्स का यूजेज जो है उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये वीकर बॉन्ड डेवलप करते हैं कॉन्क्रीट के अंदर। सो नाउ अगेन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन अगर हम साइज की बात करें तो फाइन एग्रीगेट के अंदर हमारे पास सैंड है या क्रस्ट स्टोन है जिसकी साइज लेस देन 4.75 मिलीमीटर हो, उसको हम एज अ फाइन एग्रीगेट कंसीडर करेंगे। फाइन एग्रीगेट कंटेंट यूजुअली वेरीज बिटवीन 35-45% मास बाय मास और वॉल्यूम ऑफ अ टोटल एग्रीगेट। कि जब आप कॉन्क्रीट के लिए प्रिफर करते हो तो फाइन एग्रीगेट आपका कंटेंट जो है वो 35 से लेके 45 के दरमियान जो है वो वेरी कर रहा होता है, सम केसेस के अंदर बाई मास और सम केसेस के अंदर बाई वॉल्यूम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सैंड जो है मजीद हमारे पास उसकी मजीद क्लासिफिकेशन हैं।
फाइन सैंड है, कोर्स सैंड है और मीडियम सैंड है, जो कि हमने अगेन लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस भी किया था कि फाइन सैंड आपके पास जिस तरह से माइनिंग सैंड होती है, उसके बाद रिवर्स सैंड है, उसके बाद कोर्सर सैंड जो कि आप सिल्टिंग वगैरह से कलेक्ट करते हो या कोस्टल ओशन से कलेक्ट करते हो, तो वो आपकी कोर्स सैंड के अंदर कैटेगरी में आ जाती है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है फाइन एग्रीगेट के हिसाब से। सो कोर्स एग्रीगेट के अंदर अगेन वी हैव अ ग्रेवल्स एंड क्रश्ड स्टोन्स, जिनकी साइज जो है वो 4.75 से ज्यादा होती है। नॉर्मली हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री की, तो एग्रीगेट जो है वो हमारा कोर्स एग्रीगेट वेरी कर रहा होता है 9.5 मिलीमीटर से लेके 37.5 मिलीमीटर तक। इवन सम केसेस के अंदर जो है वो 8 मिलीमीटर से लेके या 6 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक हम मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। उससे ज्यादा जो है वो एग्रीगेट के जो बिग बोल्डर्स होते हैं 37.5 मिलीमीटर वाले या मोर देन 20 मिलीमीटर वाले, वो आपके रोड्स वगैरह या लीन कॉन्क्रीट के हिसाब से नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास डिफरेंट एग्रीगेट्स की वेरी कर रही होती है। अगर हम नॉर्मल वेट एग्रीगेट की बात करें तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जो डेंसिटी होती है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं डेंसिटी, क्योंकि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर होती है तो उस मटेरियल की डेंसिटी भी हायर होती है। तो नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट जो है आपके नॉर्मल स्टोन, नॉर्मल वेट एग्रीगेट के सैंड ग्रेवल्स एंड क्रस्ट स्टोन वगैरह यूज करके हम 2200 टू 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की कॉन्क्रीट अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से जो लाइट वेट एग्रीगेट है, जिसके अंदर क्लेज हैं, शेल्स हैं, स्लैट्स हैं, स्लैग्स हैं, शेल्स, कोकोनट शेल्स वगैरह हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, और उनके अंदर जो कंक्रीट है वो आप 1350 टू 1850 या सम कोर्स कहते हैं लेस देन 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप कंक्रीट बना सकते हो। और अगर स्कोरिया, टफ, पुमाइस एंड डियोटोमाइट वगैरह यूज़ करते हैं पर लाइट, उस केस में आप 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक डेंसिटी डेवलप कर सकते हैं कॉन्क्रीट की, ये जिसको हम लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास हैवी वेट एग्रीगेट्स हैं, जिसके अंदर आपके बेराइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, आयरन इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज एन एग्रीगेट, और इसके अंदर कॉन्क्रीट की जो डेंसिटी है हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट जो कि अप टू 6400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जो कि नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट से ऑलमोस्ट जो है वो 3 times ज़्यादा होती है। तो कॉन्क्रीट हैविंग अ डेंसिटी मोर देन 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब शुड बी कंसिडर एज अ हैवी वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोन्स हैं, डिफरेंट आयरन के कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट जो है वो टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनको एज एन एग्रीगेट हम यूज करते हैं। बाद हमारे पास टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स हैं और मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर हैं या अवेलेबिलिटी के रिसोर्सेज के हिसाब से हम बात करते हैं। तो नेचुरल एग्रीगेट जिनको हम अनक्रश्ड एग्रीगेट कहते हैं, यानी कि बड़े बड़े बोल्डर्स हो गए, या जैसे ही आपको माइनिंग साइट से जो मिले एग्रीगेट उनको आप अनक्रश्ड एग्रीगेट भी कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी रिवर बेड्स हैं, रिवर सैंड्स हैं, शीशोर्स हैं, विंड ब्लोन एग्रीगेट्स हैं, तो ये आपके जो हैं वो नॉर्मली अनक्रश्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको आप राउंड इन शेप कंसिडर करते हैं और स्मूथ सरफेस टेक्सचर होती है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहे होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के सरफेस के साथ जो है वो फ्लोट, यानी कि आप यूँ इस तरह से करो कि अगर एक पाइल बनाते हैं सैंड का तो पार्टिकल्स किस तरह से सराउंडिंग में मूव करते हैं, तो इसी तरह से ये पार्टिकल जो है वो मूवेबल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से इसकी सराउंडिंग या इसका जो फेस होता है वो स्मूथ होता है। दूसरे जो आप बड़े बड़े बोल्डर्स और स्टोन्स को बाय यूजिंग क्रशर्स आप उनको ब्रेक करते हैं, जिनको हम क्रश्ड एग्रीगेट कहते हैं, जिनको हम अपनी रिक्वायर्ड साइजेस और शेप के हिसाब से प्रिपेयर करवाते हैं। नॉर्मली ये एंक्यूलर शेप में अंदर होते हैं और ये रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट होते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी हमारे पास दो टाइप्स हैं, अनक्रश्ड एग्रीगेट एंड क्रश्ड एग्रीगेट। सो हेयर वी हैव टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, जिसके अंदर शेप और सरफेस टेक्सचर आप देख सकते हैं कि राउंड शेप के अंदर भी एग्रीगेट्स होते हैं, फ्लेकी एग्रीगेट्स भी होते हैं, और समटाइम्स हमारे पास क्रश्ड एग्रीगेट जिनका सरफेस और टेक्सचर्ड एग्रीगेट होते हैं वो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर, जो कि कॉन्क्रीट के अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, राउंड एग्रीगेट और स्फेरिकल एग्रीगेट जो हैं वो वीकर बॉन्ड बनाते हैं। ये आपके पास मजीद क्लासिफिकेशन है, अगर एग्रीगेट्स राउंडेड हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन में फुली वाटर वॉर्न और कम्प्लीटली शेप बाय अट्रीशन, एग्जाम्पल जिसके अंदर सी शोर ग्रेवल्स हैं, रिवर्स हैं, रिवर के ग्रेवल्स हैं, डेजर्ट मटेरियल्स हैं, सी शोर एंड विंड ब्लोन सैंड्स हैं, तो ये आपके मटेरियल राउंडेड शेप के अंदर आते हैं। इरेगुलर के अंदर नेचुरली इरेगुलर और पार्टली शेप्ड बाय अट्रीशन, जिसको हम बनाते हैं अपनी तरफ से हैविंग राउंडेड एजेस, पिट सैंड्स हैं, ग्रेवल्स हैं, लैंड और डग फ्लिंट्स हैं, क्यूबॉइड रॉक है,
एंगुलर के अंदर पजेजिंग वेल डिफाइंड एजेस, इसकी एजेस बहुत ज़्यादा होती हैं और ये रफर रफ सरफेस वाले एग्रीगेट होते हैं जिसका क्रश्ड रॉक्स हैं, क्रश्ड एग्रीगेट्स हैं। उसके बाद फ्लेकी हैं जो कि लेंथ वाइज लंबे होते हैं, बड़े होते हैं मटीरियल्स, यूजुअली एंगुलर ऑफ विच द थिकनेस इज स्मॉल रिलेटिव टू विड्थ एंड लेंथ, के थिकनेस जो है वो कम होती है, लेंथ और विड्थ ज़्यादा होती है, जिसके अंदर आपके लेमिनेटेड रॉक्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद हम टेक्सचर की बात करते हैं। अब टेक्सचर यानी सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर या सरफेस ऑफ द एग्रीगेट, जिसके अंदर सरफेस टेक्सचर इज द प्रॉपर्टी विच मेजर्स या विच डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिग्री टू विच द पार्टिकल सरफेसेस आर पॉलिश्ड और डल, स्मूद और रफ। सरफेस स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन हार्डनेस, ग्रेन साइज, पोर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, इन तीनों की चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और यहाँ पे आपके पास टेबल के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन गिवन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम 100% स्मूद एग्रीगेट यूज़ करें और रफ एग्रीगेट यूज़ करें तो उस केस के अंदर आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इवन हायर वाटर सीमेंट रेशो के अंदर, जो आपके रफर एग्रीगेट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसके अंदर वाटर सीमेंट रेशो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि जब हम रफर टेक्सचर एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ हमारी बेहतर आती है, बॉन्ड डेवलपमेंट बेहतर और स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट बेहतर परफॉर्म करता है और कॉन्क्रीट की ड्यूरेबल लाइफ जो है वो भी ज़्यादा होती है। उसके बाद सरफेस टेक्सचर जो है वो भी चार कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर वन इज़ द ग्लासी एग्रीगेट, नंबर टू इज़ द स्मूथ, थर्ड वन इज़ द ग्रेनुलर, फोर्थ इज़ द क्रिस्टलाइन एंड फिफ्थ वन इज़ द हनीकॉम्ब एंड पोरस एग्रीगेट्स। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट गिवन है कि ग्लासी के अंदर ब्लैक फ्लिंट आ जाता है, या स्लेट, मार्बल स्टोन वगैरह स्मूथ कैटेगरी में आ जाते हैं, सैंड स्टोन और ऊलाइट्स वगैरह ग्रेनुलर में आ जाते हैं, बेसाल्ट है, डोलराइट है, लाइम स्टोन है, उसके बाद जो है वो गैब्रो है, नीज है, ग्रेनाइट है, ये आपके सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास हनीकॉम्ब एग्रीगेट्स के अंदर फोमाइस है, स्कोरिया है, ट्रास है, टफ है, तो ये आपके एग्रीगेट्स जो हैं ये आपके हनीकॉम्ब एंड पोरस एग्रीगेट्स के अंदर आते हैं, जिनको हम लाइट वेट एग्रीगेट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। दीज आर सम ACM इमेजेस जिसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक इमेजेस कहते हैं, जिसके अंदर हाई रफनेस है, एग्रीगेट के नीचे टाइप भी नज़र आ रहे हैं और आपके पास जो है वो रफनेस भी दिखाई गई है, जिसकी रफनेस जो है वो मोर देन 750 है, मॉडरेट रफनेस 550 से लेकर 750 के दरमियान, लो रफनेस 350 to 550, स्मूद एग्रीगेट 200 to 350, पॉलिश्ड एग्रीगेट लेस देन 200 जो है उसके सरफेस के ऊपर पोरोसिटी होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। अब जिस टाइप का आपके पास, जिस सरफेस का लोअर रफनेस है, स्मूथ हैं एग्रीगेट, मॉडरेट हैं और हाई रफनेस हैं, तो जो एग्रीगेट टाइप आप चूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपके पास स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज़ या जो है वो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्क्रीट डेवलप हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। ग्रेडिंग एक्चुअली इज़ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एग्रीगेट एज डिटरमाइंड बाय द सीव एनालिसिस, जिसके अंदर हम वायर मैशेज वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके अंदर स्क्वायर ओपनिंग्स होती हैं। एज पर IS गाइडलाइंस फाइन एग्रीगेट के अंदर हम 6 जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स सीव्स यूज़ करते हैं, जो कि आपकी साइजेस को वेरीफाई कर रहे होते हैं इन द रेंज ऑफ 150 माइक्रोन्स टू 4.75 मिलीमीटर्स। तो वहाँ 150 माइक्रोन्स हम यूज़ करते हैं, 300 माइक्रोन्स, उसके बाद 600 माइक्रोन्स, 1.18 मिलीमीटर्स और 2.36 मिलीमीटर्स एंड 4.75 मिलीमीटर्स। तो ये हमारे पास 6 स्टैंडर्ड सीव्स हैं जो कैटेगराइज या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ फाइन एग्रीगेट। एंड इन द केस ऑफ कोर्स एग्रीगेट आप 4.75, 10 मिलीमीटर, 12.5, 20 मिलीमीटर एंड 40 मिलीमीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके स्टैंडर्ड हैं। इनके अलावा आपके पास जो डिफरेंट ACM गाइडलाइंस हैं उसके अंदर जो है वो डिफरेंट सजेशंस हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपने यूज़ करने हैं या कौन कौन से सीव्स आपने फॉलो करने हैं। सो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉन्क्रीट मिक्सेस दैट विल प्रोवाइड अ डेंस एंड स्ट्रॉन्ग मिक्सर, कि अगर आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस भी किया था कि कोर्स एग्रीगेट हैं उनके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं या उनके दरमियान जो गैप्स होते हैं वो फाइन एग्रीगेट फिल करता है, फाइन एग्रीगेट के गैप्स जो हैं वो सैंड फिल कर जो अपना सीमेंट फिल करता है, और सीमेंट के गैप्स जो हैं वो आपके वाटर फिल करता है। तो इसी तरह से जब हम एग्रीगेट्स के दरमियान डिफरेंट पार्टिकल साइज रखते हैं तो तमाम एक पार्टिकल पैकिंग जो है, पैकिंग ऑफ एग्रीगेट इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से वॉइड्स का रेशो कम से कम रहता है और कंक्रीट जो है वो कि स्ट्रॉन्गर कंक्रीट बनता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है कंक्रीट की वो इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है।
सो हेयर इज द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स एज पर आई एस क्लासिफिकेशन के ग्रेडिंग जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 जो कि परसेंटेज पासिंग्स हैं। अगर आप 10 मिलीमीटर से पास करते हो तो तमाम केसेस में 100% पास हो जाता है, और जैसे ही आप नीचे डिस्ट्रीब्यूशन में आते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कि आपका इस साइज के अंदर 150 माइक्रॉन्स के अंदर ग्रेडिंग 4 में 0 to 15% जो है वो मटीरियल आपका पास होना चाहिए। तो इस केस के अंदर हम टोटली एक हमने एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेवल रखा हुआ है ताकि हर डिफरेंट साइज का मटेरियल एक सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर अवेलेबल हो, ताकि हम जब कंक्रीट के अंदर यूज करें तो पार्टिकल जो पैकिंग है वो पैकिंग हमारी प्रॉपर बन जाए, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर कॉन्क्रीट डेवलप हो सके। सो सिमिलर टू फाइन एग्रीगेट इज द ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जिसके अंदर वेरियस साइजेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट परसेंटेज पासिस गिवन हैं, इनके हम प्रॉपर पार्टिकल पैकिंग्स वगैरह के लिए हम यही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ऑल एग्रीगेट्स में, जिसमें फाइन और कोर्स एग्रीगेट और डिफरेंट साइजेस आ जाती हैं, तो आपके पास जो परसेंटेज पॉसेज हैं 40 मिलीमीटर नॉमिनल साइज के लिए और 20 मिलीमीटर नॉमिनल साइज के लिए कोर्स की तरफ से सजेस्टेड रेंजेस हैं कि आपका 150 माइक्रॉन से 20 मिलीमीटर की नॉमिनल साइज जो है वो 0 to 6% पार्टिकल्स होने चाहिए, अप टू 600 माइक्रॉन 10 to 30% होने चाहिए, अप टू 4.75 वी हैव 30 to 50%, 20 मिलीमीटर की साइज से 95 to 100% जो है वो मटेरियल आपका अराउंड 5% अवेलेबल होना चाहिए उस साइज के अंदर। तो ये हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशंस हैं। सो ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर जैसे हमने टेबल्स के अंदर डिस्कस किया पहले, द पर्पस ऑफ सीम एनालिसिस इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर ग्रेडिंग इज सुइटेबल, द रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ग्रेडिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स वाज टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड ग्रेडिंग फॉर द कॉन्क्रीट, कि हमें जो हमारा पर्पस है कि किस चीज की हमें जरूरत है, किस चीज की कॉन्क्रीट या किस लेवल की कॉन्क्रीट हमने बनानी है, उस हिसाब से हम जो है डिसाइड करते हैं और ग्रेडिंग्स वगैरह हमें सजेस्टेड हैं। मेन फैक्टर्स क्या होते हैं, सरफेस एरिया है एग्रीगेट का कि कितना पानी सरफेस एरिया कैसा है और कितनी वाटर अब्जॉर्प्शन उनकी ज़रूरी है, रिलेटिवली वॉल्यूम कितना हमने प्रोवाइड करना है, वर्कएबिलिटी कितनी होनी चाहिए और टेंडेंसी टू सेग्रीगेशन हमने चेक करनी होती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है वो फैक्टर्स हैं जो डिजायर्ड एग्रीगेट्स के अंदर हमने फोकस करने होते हैं, और ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह हमें ऑलरेडी टेबल्स के अंदर हमने डिस्कस कर ली। ग्रेडिंग बेसिकली एक मेजर फैक्टर है जो कि डायरेक्टली वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्क्रीट मिक्स के लिए। और दूसरी, ग्रेडिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है कॉन्क्रीट की, ओवरऑल फ्रेश एंड हार्डन्ड प्रॉपर्टीज को। फ्रेश प्रॉपर्टीज में आपकी वर्केबिलिटी आ गई उसको अफेक्ट करता है, उसके बाद आपके पास जो हार्डन प्रॉपर्टीज है उनके अंदर स्ट्रेंथ है, श्रिंकेज है, ड्यूरेबिलिटी है, ओवरऑल लॉन्ग लाइफ है स्ट्रक्चर की, ये तमाम चीज़ें आपकी ग्रेडिंग की जो आपने ग्रेडिंग प्रोवाइड करनी है या जो ग्रेडिंग आपने चूज की है उस हिसाब से ये तमाम चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। इंश्योर दैट द ग्रेडिंग इज केप्ट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द कॉन्क्रीटिंग वर्क, अदरवाइज वेरिएबल वर्केबिलिटी रिजल्ट्स एंड दिस इज यूजुअली करेक्टेड एट द मिक्सर बाय द वेरिएशन इन द वाटर कंटेंट कॉन्क्रीट और वेरिएबल स्ट्रेंथ इज ऑब्टेंड। तो जो आपको अगर वेरिएशन आती है तो वो हम एट अ टाइम ऑफ मिक्सिंग भी बैलेंस कर सकते हैं। This is the ASTM recommendation or requirements suggestion for the grading of fine aggregate. अगर आप fine aggregate concrete के लिए use करते हैं, choose करते हैं, तो आपकी जो distribution है materials की वो 150 microns में से कितनी होनी चाहिए, 300 microns, 600 microns, 1.18 millimeters, 2.36 millimeters and 4.75 millimeters. तो ये तमाम distribution जो कि हमें codes की तरफ से suggested है, इन codes को हमने follow करना है while designing या while designing any type of mix proportion for the desired concrete strength. So similar to fine aggregate, this is the grading requirement suggested by ASTM C33 for the coarse aggregates. तो कोर्स ने हमें डिफरेंट लिमिटेशंस दी कि ग्रेडिंग कर्व्स ऑफ एग्रीगेट्स के हवाले से, उन्होंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है हमें दो लिमिट्स आइडेंटिफाई कर दी डिफरेंट कोर्स की तरफ से। हमने जो एग्रीगेट चूज करना है वो इसी रेंज के अंदर करना है, यानी लोअर लिमिट से ज्यादा हो और अपर लिमिट से कम हो तो वो हमारा एग्रीगेट जो है वो परफेक्ट रहता है रियल इंडस्ट्री के यूटिलाइजेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास गैप ग्रेडिंग आ जाती है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट साइजेस के एग्रीगेट्स आपके पास हैं लेकिन बीच में कोई भी ऐसा सीव जो है वो मिसिंग है, उस साइज के एग्रीगेट आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप उसका जो है वो मिक्सिंग के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो गैप ग्रेडिंग कहलाता है। उसके बाद वेल ग्रेडेड है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मींस द साइजेस विद इन द एंटायर रेंज आर इन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट्स, फ्रिक्शन एट मेनी पॉइंट्स, एक्सीलेंट इंटरलॉकिंग, वेरी फ्यू वॉइड्स, जो कि हम फिगर वगैरह में डिस्कस करते हैं।
उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है, यानी कि आपने ज़्यादातर एग्रीगेट एक ही साइज़ के चूज़ कर लिए जिसके अंदर पुअर इंटरलॉकिंग होती है, पुअर पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में, जो पार्टिकल्स जब हम कंबाइन करते हैं तो वॉइड्स वगैरह ज़्यादा रह जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद कंबाइंड ग्रेडेशन है, मीन्स फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आर कंबाइंड, फ्रिक्शन एट मेनी पॉइंट्स, गुड इंटरलॉकिंग, फ्यू वॉइड्स एंड इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है। तो कंबाइंड ग्रेडिंग और वेल ग्रेडिंग जो है वो हम प्रीफर कर रहे होते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। ये आपके पास फिगर है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडेशन आपको नजर आ रही है, डेंस है, ओपन है, उसके बाद गैप ग्रेडिंग है, उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और वेल ग्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम रियल इंडस्ट्री के अंदर जो है वेल ग्रेडेड और कंबाइंड ग्रेडेड वगैरह को हम प्रीफर कर रहे होते हैं। ये आपको एक पिक्चर के अंदर भी नजर आ रहा है कि यूनिफॉर्म ग्रेडिंग में तमाम पार्टिकल जो हैं वो एक ही साइज के हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के। उसके बाद वेल ग्रेडिंग में हम जो है वो डिफरेंट साइजेस का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। उसके बाद कंपोजिट ग्रेडिंग है जिसके अंदर हम तमाम मिक्सचर जो है इक्वलेंट अमाउंट में ले रहे होते हैं, जिसके अंदर फाइन ग्रेडिंग और पार्टिकल्स और कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स जो हैं वो एक कंबाइंड इंटरलॉकिंग डेवलप कर रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ सीमेंट पेस्ट और कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं तो जो बिक्स का बाइंडर जो बनता है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और अगर हम फाइन एग्रीगेट का मिक्स बनाते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से नजर आती है। उसके बाद हमारे पास फाइननेस मॉड्यूलस है। फाइननेस मॉड्यूलस बेसिकली एक नंबर है जो ओवरऑल सीव एनालिसिस की ग्रेडिंग को रिप्रेजेंट कराता है, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं बाय एडिंग द सम ऑफ द क्यूमुलेटिव परसेंटेज बाय मास ऑफ द सैंपल रिटेन्ड ऑन ईच सीव एंड डिवाइडिंग दैट सम बाय 100। तो जिससे आपको एक क्यूमुलेटिव जो है फाइननेस मॉड्यूलस जो है वो डेवलप हो रहा होता है। नॉर्मली हम जो मटेरियल्स यूज करते हैं फाइन सैंड, उसका जो मॉड्यूलस अपना फाइननेस मॉड्यूलस है वो रिप्रेजेंट या जो रेंज होती है वो 2.2 से लेके 2.6 के दरमियान। उसके बाद हमारे पास मीडियम सैंड 2.6 से 2.9, कोर्स सैंड 2.9 टू 3.2 के दरमियान। अ सैंड हैविंग फाइननेस मॉड्यूलस मोर देन 3.5 विल बी अनसुइटेबल फॉर मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री कॉन्क्रीट। यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूला है फाइननेस मॉड्यूलस का, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन ईच सीव डिवाइड बाय 100। 100 जो है हमारे पास कांस्टेंट हम डिवाइड करते हैं ताकि फाइननेस मॉड्यूलस एक नंबर आ जाए, और ये हमारे पास टोटल जो है वह स्पेसिफाइड सीव्स हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से, एंड लार्जर इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ रेशियो 2:1। जनरली हम जो है वो फाइननेस मॉड्यूलस को कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूलाज और इक्वेशन वगैरह अवेलेबल है। After that we have flakiness index. Flakiness index basically is the percentage by weight of particles in it whose least dimension, यानि कि thickness is less than 3/5 of their mean dimension, यानि कि overall जो thicknesses का ratio है, कि जो thickness है और उसके mean dimensions जो है उनका ratio आपस में 3/5 से कम होना चाहिए। अगर thickness कम है तो उस case के अंदर हम flakiness को represent कराते हैं। The test is not applicable to साइज स्मॉलर देन 6.3 मिलीमीटर, क्योंकि 6.3 मिलीमीटर के ऊपर ये आपकी फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है वो अप्लाई नहीं होती। हाउएवर ओवरऑल जो इससे बड़े पार्टिकल्स हैं उसके अंदर हम फ्लैकीनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। टेबल 3.18 शोज द स्टैंडर्ड डायमेंशंस एंड थिकनेस एंड लेंथ ऑफ गेजेस, किसके लिए हमारे पास गेजेस अवेलेबल होते हैं जिसके जरिए से हम फ्लैकीनेस इंडेक्स को मेयर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं जो पासिंग है एग्रीगेट्स के, उस हिसाब से लेंथ ऑफ गेजेस भी अवेलेबल हैं, जो गेज की ओवरऑल जो डायमेंशंस वगैरह हम यूज़ करते हैं मिलीमीटर्स के अंदर, कौन सा गेज अवेलेबल है, किस ये गेज को हमने किस टाइप ऑफ एग्रीगेट के लिए यूज़ करना है, तो ये हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं कोर्ट्स की तरफ से। ये डिफरेंट गेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम रियल लाइफ के अंदर, जो हम लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट एग्रीगेट्स वगैरह के लिए। अगेन दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ द गेज जो कि हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट की फ्लैकीनेस इंडेक्स के लिए। हमारे पास इलोंगेशन है एग्रीगेट की, इलोंगेटेड पार्टिकल्स, लार्जर लेंथ पार्टिकल्स, जिसके अंदर इलोंगेशन जो है हम मेयर करते हैं इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन, जिसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर होती है 1.8 टाइम्स थिकनेस, यानी कि बारीक पार्टिकल्स होता है उसकी लेंथ लंबी होती है, थिकनेस कम होती है, तो इसको हम जो है वो इलोंगेशन पार्टिकल या इलोंगेशन इंडेक्स कंसीडर करते हैं। ये भी फ्लैकीनेस इंडेक्स की तरह ही है, 6.3 मिलीमीटर से स्मॉलर एग्रीगेट के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होता। बाकी जो है द प्रेजेंस ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल्स इन एक्सेस ऑफ 10 to 15% इन जनरली कंसिडरेबल कॉन्क्रीट इट्स अनडिजायरेबल, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फ्लैकनेस की तरह ये हमारे पास जो गेज है ये नॉर्मली यूज होते हैं फॉर द इलोंगेशन इंडेक्स, जो कि हम लेबोरेटरी वगैरह के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इनसे इनके जरिए से जो है वो हम ओवरऑल लेंथ और थिकनेस का रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं एग्रीगेट्स की ओवरऑल क्वालिटी को चेक करने के लिए।
ये स्टैंडर्ड गेजेस हैं, इमेजेस नज़र आ रही हैं आपको, जो कि एलोंगेशन इंडेक्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली बेसिकली इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन एयर टू वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन वाटर, और इस चीज़ का हम रेशियो लेते हैं ओवरऑल, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है नॉर्मली हमारी कंसीडर होती है, जो नॉर्मल एग्रीगेट्स के लिए जो हम कंसीडर करते हैं वो मोर देन वाटर होती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जो सेटल कर जाता है। और ओवरऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस मटेरियल की हायर होती है उसकी डेंसिटी ओवरऑल जो है वो भी हायर होती है। हमारे पास टेबल के अंदर तमाम एग्रीगेट्स की डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्राइड फॉर्म में, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इन एसएसडी कंडीशन के अंदर, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपको जनरलाइज जो है वो गिवन है डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट्स के लिए। उसके बाद डेंसिटी है। डेंसिटी बेसिकली इज द यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके लिए हम एक कंटेनर यूज करते हैं, थ्री लेयर्स के अंदर उसको फिल करते हैं, 25 ब्लोज के साथ उसको जो है वो हम कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हम कमर्शियल ओवरऑल उसका जो वेट लेते हैं, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी आ जाती है ओवरऑल एग्रीगेट्स की। ये हमारे पास कॉन्क्रीट के कुछ सैंपल्स हैं जिनको हम अगर बात करें ओवरऑल पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के अंदर हम ओवरऑल चीज़ों को जो कॉम्पैक्ट करने के बाद किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनती है सॉलिड फॉर्म के अंदर, और पोर्स को अगर हम अलग अलग कर दें तो यहाँ पे क्यूबिकल फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कराया गया है। और ये सिलेंडर और ये जो इक्विपमेंट नज़र आ रहा है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द केस ऑफ बल्क डेंसिटी। वी हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसमें स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, टफनेस है एग्रीगेट की, ड्यूरेबिलिटी है, पोरोसिटी है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन है। इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ। नॉर्मली जो स्टोन्स हम यूज करते हैं कॉन्क्रीट के लिए वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, इवन स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट होते हैं। तो उस केस में जो एवरेज क्रशिंग वैल्यू हमें मिलती है स्ट्रेंथ के हिसाब से वो 200 मेगा पास्कल होती है, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो जनरली हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। अगर आप लाइट वेट एग्रीगेट या कोई स्पेसिफिक टाइप यूज़ करते हो तो वो लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स। अब स्ट्रेंथ बेसिकली जो हम बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म लोडिंग के अंदर आ रही होती है स्ट्रेंथ की बात, लेकिन जब हम हार्डनेस की बात करते हैं तो इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू विदस्टैंड वियर एंड टीयर। जैसे आपके रोड्स वगैरह के ऊपर व्हीकल्स वगैरह मूव करते हैं तो वियरिंग लोड अप्लाई हो रहा होता है, रगड़ वाला लोड अप्लाई हो रहा होता है, इवन अंडर द नॉर्मल लोडिंग अंडर अप्लाइड प्रेशर के केस में भी। तो ये डिपेंड करता है ओवरऑल पेरेंट रॉक के ऊपर, और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं एब्रेजन टेस्ट से। और नॉर्मली जो एग्रीगेट हम यूज करते हैं, अ सैटिस्फैक्ट्री एग्रीगेट शुड हैव एन एब्रेजन वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 30% फॉर द एग्रीगेट्स इन द केस ऑफ वियरिंग सर्फेसिस। यानी कि आप अगर रोड वगैरह के लिए यूज कर रहे हो तो उस केस में आपके 30% तक अलो है एब्रेजन वैल्यू। अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए नॉन वियरिंग सर्फेसिस के लिए यूज कर रहे हो तो वहाँ पे 50% तक वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। यानी बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर हम लाइटर मटीरियल्स विद लेसर एब्रेजन वैल्यू या हायर एब्रेजन वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली इज अगेन अ रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल अंडर इम्पैक्ट लोडिंग, के जब इम्पैक्ट लोडिंग एक सर्टन हाइट से आप कोई लोड ड्रॉप करते हो सो इट विल बी कंसिडर एज अ टफनेस वैल्यू। और ये आप अगर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शेल नॉट एक्सीड 45% बाय वेट फॉर एग्रीगेट यूज इन द कॉन्क्रीट पर्पजेज, और वियरिंग सर्फेसिस के लिए हमें अगेन 30% अलो है। उसके बाद हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। ड्यूरेबिलिटी बेसिकली इज द एज ऑफ एनी टाइप ऑफ मटीरियल, कि लॉन्गर लाइफ उसकी कितनी है, उसका ड्यूरेबल कितने पर्पस या कितने अरसे के लिए वो रहता है। तो ये ड्यूरेबिलिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है अनसाउंड मटेरियल से, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस कोई ना आए, चाहे इंटरनल जो रिएक्शंस डेवलप हो रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह, या एक्सटर्नल वेदरिंग एजेंट्स हैं, डैमेजिंग अटैक्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट से रिप्रेजेंट कराते हैं ड्यूरेबिलिटी को। द साउंडनेस स्टेट डिटरमाइंस एन एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू डिसइंटीग्रेशन बाय वेदरिंग एंड इन पर्टिकुलर फ्रीजिंग एंड थाइंग एक्शंस। एग्रीगेट्स दैट आर ड्यूरेबल रेजिस्टेंट टू वेदर आर लेस लाइकली डिग्रेड इन द फील्ड, के वो अफेक्ट नहीं होते, जिनकी ओवरऑल जो वेदरिंग एजेंट्स को रेजिस्ट कर सकते हैं वो हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर को या लाइफ को, जो एग्रीगेट की लाइफ है वो जितनी अच्छी है उतनी ही कंक्रीट आपकी गुड क्वालिटी का बनता है, और कंक्रीट जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता। पास पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन है। एग्रीगेट नॉर्मली हैव पोर्स ऑफ वेरियस साइजेस। एग्रीगेट विल एब्जॉर्ब वाटर व्हेन इट इज इन ड्राई कंडीशन, बट नॉर्मली रिलीज वाटर व्हेन इट्स मिक्स विद द कॉन्क्रीट। जब आप उसको मिक्स कर देते हैं कॉन्क्रीट के साथ तो वो पानी को रिलीज करता है और वो गीला हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर
एंड इट्स रेट ऑफ परमिएशन डिपेंड्स ऑन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट सिंस द एग्रीगेट कंप्राइज 75% ऑफ द कॉन्क्रीट वॉल्यूम इट इज इसेंशियल टू नोट दैट द पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट कंट्रीब्यूट द ओवरऑल पोरोसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट कि एग्रीगेट जितना पोरस होगा उतनी ही कॉन्क्रीट आपकी पोरस डेवलप होगी अगर आप एग्रीगेट के अंदर क्योंकि आपका एग्रीगेट जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर है इन द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट जो कि ओवरऑल कॉन्क्रीट के वॉल्यूम को मैनेज करता है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है वो हम यूटीएम मशीन के हिसाब से 10 मिनट्स के लिए हम 40 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं उसके बाद हम इसको सीव एनालिसिस करते हैं इस मटेरियल की एक स्पेसिफिक सीव 2.36 मिलीमीटर से हम पास करते हैं जिसके बाद जो मटीरियल उसका रिटेन बच जाता है उनका एक क्यूम्युलेटिव रेशियो लिया जाता है जिसको हम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास मशीन या जो भी चीज़ें हम मोल्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं क्रशिंग वैल्यू के लिए उनकी पिक्चर्स हैं और फार्मूला भी गिवन है। उसके बाद एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है जो कि हम एक कंटेनर के अंदर या एक जो सिलेंडर होता है उसको हम फिल करके एक सडन हाइट से एक वेट जो है वो ड्रॉप करते हैं जो कंक्रीट के ऊपर गिर रहा होता है उस हैमर का वजन जो है वो अराउंड 14 kg होता है और उसकी हाइट फॉलिंग हाइट जो है वो 380 mm होती है। द टेस्ट सैंपल शैल बी सब्जेक्टेड टू अ टोटल 15 blows ईच बींग डिलीवर्ड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन 1 second। आपने क्विकली जो है उनको ऊपर उठाना है और ड्रॉप करते जाना है और एटलीस्ट जो है वो 15 ब्लोज अप्लाई करने हैं एग्रीगेट के ऊपर जिससे आपकी ओवरऑल एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू मिल जाती है। ये इक्विपमेंट है जो कि हम एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। ये एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू का फार्मूला है जैसे हम मटीरियल को अपना मशीन के जरिए से इम्पैक्ट हमने अप्लाई कर दिए उसके बाद हम टोटल वेट मेजर कर रहे होते हैं कि कितना मटेरियल जो है वो रिटेन्ड है और कितना मटेरियल पासिंग हो गया उन दोनों का ओवरऑल एक रेशियो लिया जाता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और सीव जो है वो 2.36 मिलीमीटर का यूज़ होता है। तो नॉर्मली जो है वो 45% जो है एग्रीगेट हम कॉन्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं कंसिडर करते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए लेकिन 30% जो है आपका होना चाहिए वैल्यू फॉर द वियरिंग सर्फेसिस। उसके बाद हमारे पास लॉस एंजलीज एब्रेशन वैल्यू है जिसके ज़रिए से हम एब्रेशन वैल्यू एग्रीगेट की मेजर कर रहे होते हैं और जो अराउंड 500 टू 1000 रेवोल्यूशन जो है वो हम अप्लाई करते हैं जिसके अंदर 20 टू 33 रेवोल्यूशन पर मिनट हम अप्लाई करते हैं। इसके अंदर जो बॉल्स होती हैं लोहे की वो अराउंड डिफरेंट कोड्स जो है वो डिफरेंट हिसाब सजेस्ट करते हैं समटाइम्स जो है वो हम 7 to 9 और इस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं अप टू 11 वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू भी जो मशीन है लॉस एंजलिस एब्रेशन की वो आपको नज़र आ रही है उसके साथ जो है वो डिफरेंट स्टील के बॉल्स जो कि हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट्स को एब्रेशन वैल्यू चेक करने के लिए वो हमने मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं और स्फेयर्स जो आपके स्टील के बॉल्स हैं वो आपने कितने प्रोवाइड करने हैं और वेट ऑफ चार्ज आपने किस तरह से अप्लाई करना है कितना मटेरियल होना चाहिए कितना जो है वो आपका स्फेयर्स आपने बॉल्स यूज़ करने हैं 5,005 kg प्लस माइनस 25 g जो है वो आपको अलो है मटीरियल को यूज़ करना ग्रेड ए ग्रेड बी सी और अप टू जी ग्रेडिंग मटीरियल के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट्स द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ डेलीटेरियस सब्सटेंसेस एंड रिएक्टिव एग्रीगेट्स कि ओवरऑल जो लाइफ है एग्रीगेट की वो अफेक्ट होती है कि उसके सरफेस के ऊपर या उसके अंदर कोई डेलीटेरियस सब्सटेंसेस कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कोई रिएक्टिव मटीरियल सच एज केमिकल्स एसिड्स वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है जिसकी वजह से ओवरऑल मटीरियल जो है आपका डैमेज होता है या ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। सब्सटेंसेस कॉजिंग अ केमिकल रिएक्शन कोई ऐसे मटेरियल जो केमिकल रिएक्शन जनरेट कराते हों उसके बाद डिस्ट्रप्टिव एक्सपेंशन मटेरियल समटाइम्स पानी वगैरह एवापोरेट करता है और फूल जाता है उसके बाद किले एंड अदर सरफेस कोटिंग्स एग्रीगेट पार्टिकल्स विद फ्लेट एंड एलोंगेटेड शेप्स उसके बाद स्ट्रक्चरली सॉफ्ट और वीक पार्टिकल्स वगैरह। तो ये हमने ओवरऑल क्वालिटी एग्रीगेट की चेक करनी है कि वीकर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए एलोंगेटेड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए कोई जो है वो डेलीटेरियस सब्सटेंसेस वगैरह एग्रीगेट के अंदर ना प्रेजेंट हों। उसके बाद हमारे पास डेलीटेरियस सब्सटेंसेस इन एग्रीगेट्स अब डेलीटेरियस सब्सटेंसेस यानी कि वो मटेरियल्स या वो ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके स्ट्रेंथ गेनिंग के अंदर या मटेरियल के अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है या स्ट्रेंथ डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको वीक कर देते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं समटाइम्स आप एग्रीगेट ऐसी जगह से कलेक्ट करते हैं वहाँ पे कोई ग्रास या रूट्स वगैरह या कोई वेजिटेबल्स के मटेरियल्स थे या कोई ऐसे वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह हम वहाँ पे फेंक देते हैं वो मटेरियल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उस केस के अंदर वो पूरे एक हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ गेनिंग प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो जाता है।
सेकेंडली हमारे पास क्ले एंड फाइनर मटेरियल्स हैं, कि अगर आपके पास क्ले है, सिल्ट है, इनका अमाउंट या एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर लगा हुआ होता है, क्ले की इम्प्योरिटीज़ वगैरह, तो ये भी बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट पेस्ट प्रॉपर एग्रीगेट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती, और ITZ जो इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन जो है वो भी अफेक्ट होता है। अदर टाइप्स ऑफ फाइन मटीरियल्स के अंदर हमारे पास सिल्ट हैं, क्रशर डस्ट हैं, अफेक्ट द बॉन्ड एंड सीमेंट पेस्ट एग्रीगेट्स, उसके बाद एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट लिमिट्स द कंटेंट ऑफ ऑल थ्री मटीरियल्स नॉट मोर देन द फॉलोइज, कि अगर आप क्रश्ड सैंड यूज कर रहे हो, पार्टिकल्स उसके बहुत सारे बारीक हैं, तो उस केस में आप 15% तक ज़्यादा से ज़्यादा अलो हैं, उससे ज़्यादा हम प्रोसीड नहीं कर सकते। उसके बाद नेचुरल और क्रश्ड ग्रेविल्स का जो डस्ट है वो 3% तक अगर है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। और कोर्स एग्रीगेट की जो डस्ट है वो 1% तक अलो है, उससे ज़्यादा हम अलो नहीं करते रियल इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास कुछ साल्ट कंटामिनेशंस हैं, जैसे एग्रीगेट्स हम कोई सी के किनारे से, समंदर के किनारे से कलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर वेरियस साल्ट्स वगैरह ऐड होते हैं, या जो है वो एग्रीगेट्स हमारे साल्टी मटेरियल या साल्टी सब्सटेंसेस कैरी करते हैं, तो उस केस के अंदर हम उन एग्रीगेट्स को प्रॉपरली वॉश भी कर सकते हैं। द एग्रीगेट्स वॉश्ड इवन विद द सी वाटर डू नॉट कंटेन हार्मफुल क्वांटिटीज ऑफ साल्ट, अगर सी वाटर से ही आप उनको वॉश कर देते हैं तो उस केस के अंदर भी आपके एग्रीगेट्स के सरफेस से जो कंटामिनेशन होती हैं वो भी रिमूव हो सकती हैं। इफ साल्ट इज नॉट रिमूव्ड इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड कॉज एफ्लोरिसेंस अनसाइटली वाइट डिपॉजिट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट एज स्लाइट क्रोजन ऑफ रीइन्फोर्समेंट मे ऑल्सो रिजल्ट बट दिस इज नॉट बिलीव टू प्रोग्रेस टू अ डेंजरस डिग्री स्पेशली वेन द कॉन्क्रीट इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड एडिक्वेट कवर टू रीइन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। अगर कवर आपने अच्छा किया है प्रोवाइड, तो somehow आपके जो सरफेस एफ्लोरिसेंस वगैरह हैं साल्ट की वजह से वो काज कर भी सकती हैं, रीइन्फोर्समेंट को क्रोड कर भी सकती हैं, लेकिन सम केसेस के अंदर हम उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेलिटेरियस सब्सटेंसेस एंड एग्रीगेट्स इज द अल्कलिनिटी ऑफ एग्रीगेट्स। रिएक्टिव फॉर्म ऑफ सिलिका सच एज ओपाल मे अकर इन सम टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक सिलिशियस लाइमस्टोन्स, के सम टाइम्स हमारे पास सिलिशियस और अल्कली सब्सटेंसेस वगैरह भी एग्रीगेट के साथ ऐड हो जाते हैं। सो इन दैट केस द रिएक्शन मे टेक्स प्लेस बिटवीन द सिलिशियस मिनरल्स इन द एग्रीगेट एंड द अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स ड्राइव फ्रॉम द अल्कलीज, कि आपके जो डिफरेंट सीमेंटियस मटेरियल्स हैं, सिलिशियस मटेरियल्स हैं एग्रीगेट्स के अंदर, और आपके डिफरेंट जो मटेरियल अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी सीमेंट के अंदर या सीमेंट के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं, और द रिजल्टिंग जेल टेंड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इन अ ह्यूमिड मीडियम एंड कॉज क्रैकिंग ऑफ कॉन्क्रीट, उसकी वजह से जो है क्रैकिंग ऑफ कॉन्क्रीट भी अपियर हो सकती है। इन दिस केस इट इज रिकमेंडेड टू कंट्रोल द लिमिट ऑफ अल्कलीज इन द सीमेंट्स, के अगर आपके एग्रीगेट्स अल्कलीज वगैरह से फ्री नहीं है, आपको कोई डाउट है, तो उस केस के अंदर हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो अल्कलीज का कंटेंट है उसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीगेट्स ऑन कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ। जैसा हमने डिस्कस किया था कि कॉन्क्रीट का या एग्रीगेट का सरफेस जितना रफ टेक्सचर्ड होता है उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी बनती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर अच्छा बनता है तो उस केस में कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ भी हायर होती है। सो द रफर द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट एंड द ग्रेटर द एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द सीमेंट पेस्ट द स्ट्रॉन्गर द कॉन्क्रीट विल बी produced round particles will result in a lower strength than the crushed aggregates. Larger size aggregates lead to a lower tensile strength या lower strength in the concrete. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि aggregate की size जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो हम increase जो है वो strength हमारी एक certain period के तो अंदर तो strength increase हो रही है, लेकिन जैसे aggregate का particles आप बढ़ा देते हैं तो strength जो है वो affect होती है। सो नाउ वी हैव अ ग्लोस्टोन एग्रीगेट्स। अब ग्लोस्टोन एग्रीगेट्स जो हैं, ये एग्रीगेट बेसिकली शाइनिंग एग्रीगेट्स होते हैं। इमेजिन कॉन्क्रीट दैट लुक्स लाइक ऑर्डिनरी प्लेन ग्रे कॉन्क्रीट ड्यूरिंग द डे, बट आफ्टर द लाइट्स गो आउट इट विल जनरेट अ ल्यूमिनेसेंट ग्लो एंड दैट विल लास्ट ऑल नाइट लॉन्ग विदाउट बींग कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, कि आपके एग्रीगेट पत्थर जब हम यूज करते हैं तो आपको नॉर्मल कंक्रीट बनती है, लेकिन जब आपका जो नाइट टाइम होता है उसके अंदर कंक्रीट जो है वो लाइक एक शाइनिंग या एग्रीगेट्स जो है वो एक शाइन जनरेट कर रहे होते हैं विदाउट एनी पावर सोर्स। ऑल्दो दैट मे बी लुक्स लाइक अ सुपर कंक्रीट यू हैड रीड अबाउट इन साइंस फिक्शन नॉवल, इट्स एक्चुअली अ पॉसिबिलिटी टूडे थैंक्स टू न्यू ग्लो इन द डार्क एग्रीगेट्स फ्रॉम द एम्बियंट ग्लो टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एग्रीगेट्स या जो स्टोन्स हैं वो एम्बियंट ग्लो टेक्नोलॉजी की वजह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं डे टाइम के अंदर और वो आपके पास रिलीज करते हैं एट द नाइट टाइम। दीज आर द सम लुक्स ऑफ द ग्लोस्टोन एग्रीगेट कॉन्क्रीट।
कंक्रीट जो कि आपने किसी जगह पर लगाई, दिन को जैसे ही सूरज की रोशनी में ये एग्रीगेट्स के ऊपर लाइट पड़ती है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट टाइम के अंदर ये कंक्रीट जो है वो शाइनिंग जनरेट कर रही होती है लाइक अ सुपर कंक्रीट। जैसे मैंने बताया, इट कैन बी डिजाइन फॉर इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन, और ये जो है डिफरेंट एनर्जी को, स्टोन नेचुरल मटेरियल होते हैं, डिफरेंट एनर्जी को दिन टाइम के अंदर या सूरज की रोशनी से जो है आर्टिफिशियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं नेचुरल एनर्जी को, और नाइट टाइम के अंदर या आर्टिफिशियल लाइट की तरह जो है एक एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। वंस द लाइट सोर्स इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, जो आपके ग्लो स्टोन एग्रीगेट्स हैं, ग्लो पिगमेंट्स बिगिन रिलीजिंग देयर स्टोर्ड एनर्जी, दे यूटिलाइज अ प्रोप्रिएटरी फॉर्मुलेशन ऑफ पावरफुल पेटेंटेड फोटोल्यूमिनेसेंट पिगमेंट्स, सो दे विल एमिट देयर ग्लो फॉर 12 आवर्स और लॉन्गर टू प्रोवाइड सेल्फ जनरेटिंग एम्बियंट लाइट सोर्स। ये तकरीबन जो है स्टोन्स अराउंड 12 आवर्स और उससे ज्यादा टाइम के लिए भी ये पावर या एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट शाइनिंग मटेरियल्स या शाइनिंग सरफेसेस वगैरह भी अपीयर होती हैं। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ ग्लो स्टोन एग्रीगेट्स जो कि रियल इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं। आपको नीचे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्क्रीट भी नजर आ रही है। ग्लो स्टोन एग्रीगेट्स कैन बी सीडेड डेकोरेटिवली इन अ वैरायटी ऑफ वेज रेंजिंग फ्रॉम पूल डेक्स patios and outdoor entertainment areas to kitchen counterparts, countertops and the bathroom vanities. They can also be served as an effective self-emitting way finding system in low light areas such as the stairways and hallways. क्या आप जो आपके लो लाइट एरियाज होती हैं सीढ़ियाँ वगैरह वहाँ पे भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं फिनिशिंग के तौर पे। ये दिन के अंदर जो है वो रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं और नाइट में आपको एक प्रॉपर पाथ जो है वो शो करा रहे होते हैं। सो ग्लोस्टोन एग्रीगेट्स इज लाइक वेन इट रेन्स लुक फॉर द रेनबोज, जैसे हम बारिश होती है रेनबोज के लिए लुक करते हैं, रेनबोज को नजर आते हैं हमें, हम देखते हैं उनको। एंड वेन इट्स डार्क लुक फॉर द स्टार्स, कि कॉन्क्रीट जो ये वाला ग्लोस्टोन एग्रीगेट कॉन्क्रीट है ये जैसे स्टार्स हैं स्काई के ऊपर, इसी तरह से कॉन्क्रीट के सर्फेस के ऊपर आपको डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल जो है वो स्टार्स नजर आ रहे होते हैं। अल्दो ग्लो स्टोन एग्रीगेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, लेकिन उनको हम आजकल जो है वो इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टिक्स के जो हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं और नाइट टाइम के अंदर रिलीज करते हैं, तो इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल बी एन एक्सपेंसिव कॉन्क्रीट एंड इट लुक्स लाइक अ सुपर कॉन्क्रीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।